Cape Town. My first award was Best Debutant in Star Parivar Awards. Gold Awards. First date, I think 10 साल पुरानी बात होगी तो मैं नाम नहीं लेना चाहता यार, लेकिन मुझे यार अच्छे से याद भी नहीं है. In your life. मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था सबसे पहला उसका नाम था राहत. अच्छा. और हम लोग आई थिंक मुझे सेकंड थर्ड की बातें याद है. हाँ. काफी क्लोज था और हम एक दूसरे के घर काफी आया करते. माई फर्स्ट ऑडिशन वॉज फॉर एन एड. मैंने रीबॉक का एड सबसे पहले किया था और मेरे पहले ऑडिशन में मुझे वो मिल गया था. आई थिंक एक 6600 आता था नोकिया का. Okay. एक मूवी मैंने की थी युवा. अच्छा. और उसमें मेरा फ्रेंड काफी क्लोज बना था मोहित बघेल. क्रश जो मेरा हुआ था वो था क्लास फोर्थ के अंदर जो मुझे याद है. और मैंने उसको कभी बताया तक नहीं कि मेरी पहली क्रश थी. और मतलब मैं काफी ज्यादा सीधा साधा होता था और मुझे डर लगता था लड़कियों से बात करने में उस टाइम पे. तो लग्जरी परचेज आई थिंक जो मैंने पहला आईफोन लिया था. वन एंड ओनली कैटरीना कैफ. मैंने स्टार परिवार अवार्ड्स में ही पहला परफॉर्मेंस दिया था. फर्स्ट शो वाज बड़े अच्छे लगते हैं एक्शन शो. फर्स्ट कुकिंग एक्सपीरियंस वुड बी आई थिंक सबका ही वो होता है जब मैगी बनाना. तो सबसे पहला तो मेरा वही था जब मैंने मैगी खुद बनाई थी. जी, और जी. उसके बाद जब मैंने असली में कुकिंग सीखा वो था जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर था. अच्छा, तो अच्छा खासा खाना बना लेते हैं. जब मैं अंदर था 3 महीने तो मैंने सीख लिया था. अच्छा, लेकिन अभी फिर शायद भूल चुका हूँ. फर्स्ट पे चेक किया जो मैंने पहला ऐड किया था रीबॉक का तो उसका था. फर्स्ट टाइम आई मेट अ सेलिब्रिटी आई थिंक जब मैंने बड़े अच्छे लगते किया था तो राम कपूर सर थे और साक्षी मैम थी. तो काफ़ी ज़्यादा मैं मुझे सीखने की कोशिश करता था चीज़ें. पहली बार डर तो मुझे याद नहीं, लेकिन जो मुझे डर लगता था मुझे एग्ज़ाम से डर लगता था. एग्ज़ाम जाते थे तो मैं काफ़ी डर जाता था और मैं सोता भी नहीं था, बस पढ़ता रहता था. जो पहला इंटरव्यू मुझे याद है आई थिंक वो था जब मैं केपटाउन में था. मैं ये रिश्ता के कहलाता है कर रहा था. अच्छा, तो वहाँ अच्छा. पर काफ़ी ज़्यादा मीडिया आई थी जो कवर करने के हम सब को तैयार. जो मैंने पहला अपना ऐड किया था वो टीवी कमर्शियल थे रीबॉक का. और तभी पहला टाइम था जब मैंने कैमरा फेस किया था और काफ़ी नर्वस भी था मैं. जब मैं ये रिश्ता के कहलाता है कर रहा था और मैं लंदन गया था किसी इवेंट के लिए, तो मैंने वहाँ पर देखा कि बहुत सारे इंडियंस थे वहाँ पर जो एक इवेंट पे आए थे. तो हाय, दिस इज रिधि डोगरा. यू आर वाचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन. डू फॉलो द चैनल. मुआ.